सीपीएम के नेता राकेश सिंघा के द्वारा आज सदन में मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय को लेकर मुद्दा उठाया गया। इस पर शिक्षा मंत्री ने उनका जवाब देते हुए बताया कि मिड डे मील योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और पैसा न आने के कारण मिड डे मील वर्कर्स का मानदेय नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि सरकार ने 27 नवंबर को संबंधित विभाग को नवंबर महीने तक का मानदेय जारी करने के निर्देश दे दिए हैं और भविष्य में भी मानदेय में देरी ना हो इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ये जानकारी उन्होंने सदन के बाहर भी दी। मिड डे मील जो वर्कर्स हैं, बीच में कुछ समय उनकी जो सैलरी वो रुकी थी, और उसमें एक कारण ये भी रहा कि कुछ कारणों से भारत सरकार से जो धनराशि प्राप्त होनी थी वो पहुंच नहीं पाई थी। लेकिन उसके बाद हमने ये कि 27/11/2021 को अब जो पिछले 4 महीने की जो सैलरी थी वो हमने उसका प्रावधान कर दिया है, और अब 4 महीने की सैलरी उनको मिल गई है, और आगामी समय में भी कोई उन्हें किसी प्रकार की कोई ऐसी कमी ना रहे जिससे उनका मानदेय समय पर ना मिले, तो वो भी हमने सुनिश्चित किया है कि आगामी समय में भी उनको यानी मानदेय समय पर दिया जाएगा, और जो पूर्व का था वो भी दे दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।